हाय हाय रणवीर अंकल हैं क्या? ये बैड लक, आप जब भी पापा से मिलने आते हैं पापा घर पर नहीं रहते। आइए अंदर आइए। तो कॉफी पी? नहीं थैंक्स। आप लोगों को इंडिया वापस आए कितना वक्त हो गया? कुछ महीने हो गए, वैसे पापा तो यहीं पले बड़े हैं। और आपके फादर यूएस कब गए थे? Around 22 years back. फिर उसके बाद पापा वहीं रहने लग गए, यूएसए की सिटीजनशिप ली और मामा के साथ वहीं सेटल हो गए। और यहाँ वापस आने की कोई खास वजह? मेरी खातिर, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैं इंडिया आ गई। फिर पापा भी आ गए क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी ना। क्यों आपकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी तो कब की हो चुकी है, इनफैक्ट अपने पति की तलाश में मुझे यहाँ आना पड़ा। सही कह रही हैं आप, रिश्तों की भूल भुलैया में जिंदगी वीरान सी हो जाती है। लगता है आपका भी कोई अपना खो गया है। नहीं खोया तो नहीं है लेकिन महसूस जरूर कर सकता हूँ। आप थिएटर वाले काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे, एक साथ कितनी सारी जिंदगी जी लेते हैं और हमें अपनी एक अकेली जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। ये करेक्शन किसका है? ये पापा को शौक है इसका। क्या देख रहे हो साथ में? माँ ये कौन लाया? मैं और कौन, ये मेरा कलेक्शन है। ये शौक आपको कब से है? शौक था नहीं, पैदा हो गया। अच्छा है ना, तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। कहाँ खो गए? नहीं मैं सोच रहा था कि कितनी सिमिलैरिटी है, मुझे भी इसे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अरे वाह, फिर तो आप कॉफी पीनी ही पड़ेगी क्योंकि आपकी पसंद मेरे पापा से काफी मिलती है और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है तो मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ओके हेलो। हेलो मिश्र चौधरी। जी हाँ मैं अनिरुद्ध चौधरी बोल रहा हूँ, बोलिए। मिश्र चौधरी मैं मिंडल एसएलएम से रश्मि बात कर रही हूँ। डॉक्टर रश्मि बोलिए क्या हुआ? मिश्र चौधरी आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या? वो हमारे हॉस्पिटल से जानकी पता नहीं कैसे गायब हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं, जानकी गायब हो गई? मैं अभी आ रहा हूँ। भैया क्या हुआ? निशांत वो जानकी। क्या बात है जानकी? क्या जानकी पागल खाने से भाग गई? क्या चल 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 ऋषि बेटे एक बात कहूं अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा है तो तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो, अपने पापा और अपने चाचा का हाथ बटाओ। अरे सारा घर क्या एक ही धंधे में लग जाएगा? अरे क्यों, इसमें बुराई क्या है? इस तरह खाली बैठने से तो अच्छा है कि वो अपने कारोबार में हाथ बटाए। क्यों ऋषि, जब तक मेरी माँ इस घर में वापस नहीं आ जाती तब तक मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें अभी भी अपने माँ के ठीक होने का इंतजार? क्यों दादी, मेरी माँ क्या कभी ठीक नहीं होंगी? भगवान ही जाने बेटे, इतने साल से तो उसका इलाज हो रहा है लेकिन उसकी हालत तो ज्यों की त्यों है। ना जाने जानकी के भाग्य में क्या लिखा है। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ रुमला? बाबूजी, जानकी दीदी हॉस्पिटल से कहीं गायब हो गई है। अनिरुद्ध भैया का फोन आया था बाबूजी। छोटी माँ कहाँ चली गई है मेरी माँ? ऋषि अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि जानकी दीदी कहाँ चली गई है।
ना जाने भगवान हमारी कब तक परीक्षा लेता रहेगा। बाबूजी, भैया भी बहुत परेशान थे, निशान भी उन्हीं के साथ है। बुरी बला का साया है हमारे घर पर, और ये साया कोई घर नहीं, हमारा अपना है। कहाँ जा रहे हो ऋषि? उस डॉक्टर से पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे मेरी मां वहां से गायब हो सकती है? ऋषि, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, अनिरुद्ध और निशांत को आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सब चेक करो और मुझे फोन करके बताओ। डॉक्टर, ये कैसे हो गया? इतनी सिक्योरिटी, इतने लोगों के होने के बावजूद जानकी भाभी यहाँ से गायब कैसे हो गई? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए, जानकी यहाँ से कैसे गायब होगी इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। आज तक इस हॉस्पिटल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे लेकिन हमारे साथ तो हुआ है ना, मेरे साथ और मेरी जानकी के साथ। देखिए, रात में सारे पेशेंट को मैंने खुद चेक करके उन्हें अपने अपने कमरे में भिजवाया था। उसके बाद मैं अपने घर गई, सुबह आने के बाद मुझे पता चला कि जानकी गायब है। हम लोगों ने सारा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन जानकी का कहीं पता नहीं चला। ये सब आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है, वरना यहाँ से कोई कैसे जा सकता है? टेल मी, मेरी जानकी कहाँ होगी? बेचारी को किसी बात का होश भी तो नहीं था। निशांत, आप लोगों ने बहुत इलेक्ट्रिक शॉक दिया है ना उसे, बहुत इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। ट्रीटमेंट के नाम से आप लोगों ने बहुत सताया उसे। आप लोगों की परेशानी की वजह से बेचारी यहाँ से भाग गई है। भैया, अरे क्या भैया, निशांत तुम नहीं जानते इन लोगों ने कितना सताया है उसे, इतने शॉक दिए हैं। कई बार तो बेचारी चीख पड़ती थी, रो पड़ती थी। मैं नहीं जानता, तुम लोगों के खिलाफ मैं केस करूंगा। तुम लोगों इस बात का जवाब देना होगा कि कहां है मेरी जानकी। जवाब देना होगा, ढूंढ के लाओ कहीं से भी मेरी जानकी को। तुम लोग ढूंढ के लाओ। भैया चौधरी प्लीज। देखिए भैया, ढूंढोगे ढूंढेंगे मेरी जानकी। यार मेरी जानकी को कैसे संभालूं? जानकी मैं जानता हूं कि सागर, इन्हें इतना गौर से क्यों देख रहे हो? बस यूं ही माँ, इन्हें कलेक्ट करने का शौक आपको कब से? बचपन से। ये बचपन से कलेक्ट की गई हैं? बचपन की कलेक्शन तो मालूम नहीं कहाँ गई, लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सारे इंडिया के समुद्रों के किनारों से कलेक्ट की गई है। मुंबई से, चेन्नई से, मिजोरम की, सब जगह की। आपको ये बहुत अच्छी लगती है ना? अच्छी नहीं लगती तो कलेक्ट क्यों करती? बचपन तो चला गया लेकिन शौक नहीं। आज भी कहीं देखती हूँ ना तो कलेक्ट करना शुरू कर देती हूँ, आदत पड़ गई है। बड़ा अजीब शौक है आपका। ये तो कुछ नहीं सागर, पहले मेरे पास दो दो कलेक्शन थे। दो दो? वो क्यों? एक जैसी दो दो, क्योंकि जिंदगी में अगर एक कलेक्शन खो जाए तो दूसरा तो रहे, है ना? हाँ, तो ये तो आपका एक कलेक्शन हुआ, दूसरा? दूसरा तो कहीं खो गया सागर, लेकिन तुम इन्हें हमेशा संभाल के रखना। ठीक है भैया। इंस्पेक्टर को देखा था, कितना अजीब था, कैसे सवाल पूछ रहा था। अरे बाबा, रिपोर्ट लिखना तो सवाल जवाब तो पूछे गए ना। लेकिन भैया ऐसे बेहुदे सवाल, कैसे पागल हुई, कब पागल हुई, पहले से थी, बाद में थी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। भैया इंस्पेक्टर ने कहा है ना, वो भाभी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप परेशान मत होइए प्लीज। वो कहाँ जा सकती है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा सकती है वो। भैया मुझे तो लगता है ये हमारे किसी दुश्मन की जान है। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हमारे किसी दुश्मन ने ये किया है कि अपने फायदे के लिए किसी पागल का फायदा उठाया, तो बहुत ही घिनौनी हरकत की है उसने, बहुत ही घिनौनी हरकत। ठीक कह रहे हैं भैया आप। अब घर वालों को क्या जवाब दूंगा? ऋषि पहले से मुझे दोषी ठहरा रहा है, अब उसे यह पता चलेगा तो
तो बेचारे के दिल पर क्या बीतेगी। भैया आपने उर्मिला को तो फोन करके बताया था ना? हाँ उर्मिला को बताया था, अब तक तो शायद घर में सबको पता चल गया होगा। निशांत जानकी जैसी भी थी कम से कम आंखों के सामने तो थी, मैं उसे देख तो पाता था, लेकिन अब पता नहीं उसे देख भी पाऊंगा या नहीं। भैया आप प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? चलिए घर चलते हैं, इस खबर के बाद पता नहीं घर वालों का क्या हाल होगा। आइए। मैडम आपने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, चलिए आपकी पसंद की चीज मंगवाते हैं। क्या खाएंगे आप? प्रशांत अब मेरी कोई पसंद नहीं है, जो भी तुम्हें पसंद है वो मुझे दो। नहीं मां जी ऐसा मत, मैं तुम पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहता। मानसी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी इकट्ठे गुजारते हैं, लेकिन उनकी आदतें उनकी पसंद अलग अलग होती। प्रशांत अपनी पसंद और अपनी आदतों के साथ बहुत जी लिया मैंने, अब मैं तुम्हारे साथ भरपूर जीना चाहती हूँ, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। ऐसा मत करो मानसी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाली गुड़िया बन जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे अधिकार से पूरे हक से अपनी जिंदगी गुजारो। सच? तो अब मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल भी रखूंगी, और आज के बाद से हमारी बीच की वो दूरियां भी हट जाएंगी। मान जी मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं जानता था एक न एक दिन ये वक्त जरूर आएगा। जानती हूं मान जी, अगर जिंदगी में मैंने किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अच्छा तो मेरी नाक काट के यहाँ पार्टी मनाई जा रही है, वाह वाह वाह। मामा जी आप? अरे मर गया तेरा मामा, अरे तूने अपनी अकल बेच खाई है, कोई शर्म लिहाज नहीं रह गई। मामा जी प्लीज, यहाँ रेस्टोरेंट में तमाशा करने की जरूरत नहीं। तमाशा तो तू कर रहा है, ये सब ना इस कबूतरी के पढ़ाए में चल रहा है। अरे इसके पढ़ाए में मत चल, वरना कहीं का नहीं रह जाएगा तू। मामा जी आप हमारी जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो जाते? एक बात बता तू मुझको, तुझको इस शहर में और कोई जगह ही नहीं मिली थी, वही ऑफिस मिला था वही। अरे जहां मुझको बेइज्जत करके निकाला गया तू वहीं जाके चाकरी करने लगा। अच्छा मैं जो कर रहा हूं वो सबको पता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका क्या? मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा मामा जी, निशांत को 50 लाख रुपए की तुम किस्त दे। देखिए मामा जी आप प्लीज मेरी जिंदगी से दूर हो जाइए, वरना आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है। अंकल ये तस्वीर तो याद होगी आपको? ये तस्वीर भी भूल गए अंकल आप? उस स्टूडियो वालों ने गलती से आपकी और मेरी माँ की तस्वीर। ओ हाँ याद है, याद है मुझे। तो माँ ने ही आपको लौटाने को कहा था, क्या सोच रहे हैं अंकल? अगर बेटे अपनी माँ को इस तस्वीर के लिए मेरी ओर से थैंक्स कहना। सजा? सजा तो मैंने भुगती है मिस्टर रणवीर सिंह, कुंवारी माँ कहलाने की सजा, और जो कुंवारी माँ के लाछन लेकर अपने बेटे के साथ जीती है ना, उस बेटे के बाप का नाम नहीं हुआ करता। सागर मेरा बेटा है, और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ आज बुलाया है कि तुम हमारी जिंदगी में मत आना। अरे डैड आपको बाय, पता है मैं आपको कितनी देर से इंतजार कर रही थी।
कोई खास बात? जी हाँ, एक खास बात है, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे कजी 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 यार बेटा, भाई बैठो, मैं बहुत बेसब्र हो रहा हूँ। कैसी खुशखबरी है? ये बहुत दिनों से कोई खुशखबरी सुनी है? पता है दाद, जब मुझे ये खबर पता चली तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको फोन करके बता दूँ, लेकिन माय बैड लक, आपको फोन ही नहीं लगा। चलो अब तो बता दो। अनिरुद्ध चौधरी की पत्नी जानकी पागल खाने से भाग गई। मगर वो पागल भाग कर जाएगी कहाँ? छोड़िए ना डैड, हमें क्या करना है, कहीं भी जाए। लेकिन डैड, खुशी तो मुझे इस बात की है कि ऊपर वाला सब कुछ दिखता है। और डैड, उनको उनके किए की सजा जरूर है, ये आप देख। और चौधरी परिवार की हर एक सदस्य को उसकी सजा जरूर होगी। सही कह रही हो बेटे, भगवान से इंसान की कोई गलती छिपती नहीं, लेकिन क्या कभी किसी अपने से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? ये कैसा सवाल है डैड? देखो बेटा, भगवान तो सजा जरूर देता है, लेकिन इंसान कभी कभी सजा देने के बदले माफी भी दे सकता है। डैड, निशांत के अलावा मेरे इतने करीब कौन है? निशांत ने मुझसे शादी की एक भूल की। पहले तो वो कहता था कि वो इंडिया नहीं आएगा, और अब इंडिया आके मुझे भूल गया। अपनी खुशियों में इतना घूम गया कि उसने मुझे याद ही नहीं रखा। बेटे, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो या फिर... एक मिनट, एक मिनट, कहीं आप उसकी साइड तो नहीं ले रहे? नहीं बेटे, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ उसके हालात के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि... डैड, आज जो मेरे ये हालात है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ निशान है और कोई नहीं। शादी करके मुझे क्या मिला? पत्नी बनकर भी उसका साथ नहीं दिया। जो साथ देकर साथ छोड़कर चला जाए, ऐसी भूल को मैं कभी भूलती कि मैं माफ नहीं कर सकती।